हेलो एंड वेलकम टू व्लॉगपुर। आज हम बना रहे हैं बाजार में बहुत ही महंगा मिलने वाला चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप आपके आइसक्रीम्स में, आपके शेक्स में और भी बहुत सारी चीज़ों में आपके बहुत काम आता है, तो चलिए इसे घर पे ही बना लेते हैं बहुत ही सस्ते तरीके से। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक चॉकलेट वाला बिस्किट। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये वाला लिया है और ये 5 रुपये का मुझे पड़ा है। तो इसमें से मैं ले रही हूँ 6 से 7 बिस्किट्स और इसके साथ में हम डालेंगे चीनी। चीनी मैंने ली है 2 टेबलस्पून और इसे मिक्सर ग्राइंडर में इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए मिक्सर के अंदर मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और यहाँ पर मैंने लिया है 60 ml दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है मैंने और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करते जाएंगे पाउडर में, इस तरह से। एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाएंगे। चॉकलेट सिरप को बनाना इस तरीके से बहुत ही आसान है। तो ये देखिए हमने सारा दूध इसके अंदर मिला दिया है और अब यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी डाला है थोड़ा सा और इसके अंदर इस बाउल को रखेंगे और इसे डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से पका लेंगे। इसे कंटिन्यू आपको चलाते रहना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद में थोड़ा और गाढ़ा होगा। तो देखिए ये ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है और अब इसको हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद में देखिए आपका चॉकलेट सिरप बनकर एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बना है, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी वाला। तो इसे आप रख लीजिए फ्रिज के अंदर और जब भी आपका मन करे इसे जिसमें आपको यूज़ करना है इसे यूज़ कीजिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।